हेलो लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सो क्विकली बिगिन करते हैं देखो छोटी क्लासेस से ही आपने एसिड और बेसिस पढ़ा हुआ है ठीक है ऐसा नहीं है कि आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं लेकिन हमने इसका बेसिक पढ़ा हुआ है अब हम थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाएंगे सो जब भी हम एसिड या बेस की बात करते हैं जैसे क्लास में भी आपने पढ़ा है सो सिंपल सी चीज आती है कि जब भी आप एसिड बोलोगे सो जी उनका जो टेस्ट है वो सौर होता है और वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और जब बेसिस की बात करते हैं तो उसका बिटर टेस्ट होता है एंड वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है ठीक है ये बेसिक सी चीज जो हम एट क्लास से रटते हुए यार है कि ये एसिड होते हैं ये बेस होते हैं बट द फैक्ट इज एसिड जैसी चीज़ कितनी स्ट्रांग होती है तो क्या आप किसी चीज़ को जज करने के लिए कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है उसको टेस्ट करके देखोगे कि सॉ टेस्ट है कि बिटर टेस्ट है पॉसिबल नहीं है सो so, अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है उसके लिए हमारे पास

आया तो ये एसिड है ये इफेक्ट आया तो ये बेस है ठीक है इस तरीके से चलो टाइप ऑफ इंडिकेटर्स अब यहाँ पे हम तीन टाइप के इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे वन इज नेचुरल जो नेम से पता चल रहा है कि नेचर हमें देता है सेकंड है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि हम केमिकली बनाते हैं अभी मतलब सब चीजें के बारे में आएगा देन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो भी बड़ी बेसिक चीजें हैं सो so, एक एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की जो नेचुरली हमें मिलते हैं ठीक है नाम से पता चल रहा है सो इट इज़ फाउंड इन नेचर इन प्लांट सो प्लांट्स से हमें मिल रहे हैं नेचर से हमें मिल रहे हैं इसलिए उसका नाम नेचुरल इंडिकेटर्स है अब इसमें क्या क्या हो सकता है लिटमस जो है इस तरीके का हमारा दिखता है ये लिटमस हो गया देन रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट जो रेड कैबेज होता है उसकी जो लीव्स की एक्सट्रैक्ट है वो भी हेल्प आउट करती है एज एन इंडिकेटर कोई चीज़ क्यों, किसी solution को किसी सॉल्यूशन को एसिड है या बेस है ये बताने में ठीक है नेक्स्ट है फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोजिया प्लांट ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको ये भी एक इंडिकेटर की तरह हेल्प करते हैं देन वी हैव टर्मरिक टर्मरिक अब आप सबको पता है हल्दी जो होती है जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं दैट इज टर्मरिक वो भी एक इंडिकेटर की तरह हेल्प करती है क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके एसिड में और बेस में वो भी मैं आपको बताऊंगी एंड ऑल्सो काफी सारी चीजों के हम एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं सो so, आपको चैप्टर टू के एक अलग से प्ले मिल जाएगी जिसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे शॉर्ट्स मिल जाएंगे आपको सो so, वहां से आप देख सकते हो ये छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स हमने करे हैं

ओडोर इन एसिड एंड बेस अब इसमें इनकी जो है स्मेल से पता चलता है एसिड में कुछ और रिएक्शन होगा बेस में कुछ और होगा जैसे अनियन है ये बड़ा बेसिक सा है सबने देखा हुआ है सबके घर में अनियन होता है सो so अनियन की एक स्मेल होती है ठीक है तो जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो अगेन वो स्मेल रिटेन रहते हैं या वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब हम बेस में डालते तो सारी इसकी स्मेल चली जाती है सो so उससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं चलो अब मैं सब चीजों का आपको रिएक्शन बताते हैं इसके पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया अनियन हो गया क्लोव ऑयल हो गया ठीक है ये हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हो गए अब हम देखते हैं कि क्या-क्या इस इंडिकेटर के रिएक्शंस होते हैं जैसे कि पहले नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो जो हमारा लिटमस है वो तो चलो ऐप को पता ही है एसिड में क्या करता है रेड को ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है एंड बेसिक सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है ठीक है नेक्स्ट अगर आप रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्टर उससे चेक कर रहे हो तो आपका एसिड सॉल्यूशन में वो रेड कलर का हो जाएगा एंड अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा देन फ्लावर ऑफ हाइड्री ये सारी मैंने भी आपको एग्जांपल्स में बताया था है ना सो एसिड में वो ब्लू कलर का हो जाएगा एंड बेस में वो पिंक कलर का हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में उसको टेस्ट करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा पिंक में देन वी हैव टर्मरिक जो कि हल्दी है अगर आप हल्दी को एसिड सॉल्यूशन में डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा वो आपको वही येलो हल्दी दिखेगी लेकिन अगर आप टर्मरिक को बेसिक किसी सॉल्यूशन में डालते हो तो वो रेड कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन एंड वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक है नेचर में ठीक है चलो इसी तरीके से सिंथेटिक इंडिकेटर का देख लेते हैं सोफिनोपथलिन है एसिड so, में डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है एंड अगर आप एक बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो वो पिंक कलर का हो जाता है ठीक है इवन अगर जैसे आपने पिंक कलर का उसको कर लिया एंड देन अगर आप उसमें और ऐड कर रहे हो उसमें एसिड ऐड कर रहे हो तो वो उसको कलरलेस कर देगा ठीक है थीके? चलो नेक्स्ट है मिथेल ऑरेंज की बात करें तो एसिड सॉल्यूशन को रेड कर देता है एंड बेसिक सॉल्यूशन को येलो कलर में चेंज कर देता है एंड जब हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो यहां पे स्मेल से खेला जाता है जैसे अनियन है सो तो अगर एसिडिक सोल्यूशन में आपने उसको डिप किया तो जी उसमें एक करेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी एंड अगर बेसिक सोल्यूशन में तो नो स्मेल अनियन की अपनी स्मेल भी नहीं आएगी आपको देन वनीला वनीला एसेंस में क्या होगा इट रिटेन स्मेल एंड बेसिक में कोई स्मेल नहीं आएगी सिमिलरली क्लोव ऑयल में अगेन एसिडिक है तो इट रिटेन स्मेल एंड अगर बेसिक सोल्यूशन है तो वो अपनी स्मेल लूज कर देगा ठीक है आई होप आपको पता चल गया कि इसमें क्या होता है बाकी जो जो एक्सपेरिमेंट आप इसके देखोगे वो आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे ठीक है सो ये था हमारा अबाउट आवर इंडिकेटर्स अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिड और बेसिस के बारे में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बट इन द नेक्स्ट सेशन वेल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए इफ दे इज एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज लिव इट द कमेंट्स डाउन बिलो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो बाई